हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि पूरा हिंदुस्तान अभी बेसब्री से इंतजार कर रहा है अयोध्या में राम मंदिर का। वैसे मंदिर तो बन गया है, अभी बस प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा 22 जनवरी को। आप सबको इस बारे में तो पता ही होगा। तो अयोध्या के साथ साथ हिंदुस्तान के हर कोने कोने में प्रभु श्री राम का आराधना किया जा रहा है, आह्वान किया जा रहा है। वैसे पूरे देशवासियों की तरह भुवनेश्वर वासियां भी बहुत ही ज्यादा उत्साहित है राम मंदिर प्रतिष्ठा के लिए। तो इसीलिए भुवनेश्वर राम मंदिर को भी बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया है। चारों तरफ उजाला ही उजाला है और फूलों से भरा हुआ है। वैसे अभी आप सबको पता होगा कि उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर का परिक्रमा भी चल रहा है, तो भुवनेश्वर के राम मंदिर के सामने ही एक छोटा सा रेप्लिका बना के रखा हुआ है जगन्नाथ मंदिर का, जो कि अभी नई तरीके से बनाया गया है। आप लोग वो भी जाके देख सकते हो। तो गाइस, ये था राम मंदिर का फ्रंट वाला व्यू। आप सबको दिख रहा होगा कि कितने सुंदर तरीके से इसको सजाया गया है, चारों तरफ लाइट्स लगाए गए हैं और लोगों का भीड़ भी बहुत ज्यादा था। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए थे राम मंदिर दर्शन करने के लिए। अगर अयोध्या नहीं जा पाएंगे तो आपके करीबी नजदीकी राम मंदिर में जाके भी आप लोग पूजा कर सकते हो। भगवान हर जगह पे है। अभी तो अयोध्या में काफी ज्यादा भीड़ भी रहेगा और दर्शन करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आप लोग कुछ दिन बाद अयोध्या जाके अगर राम मंदिर दर्शन करना चाहते हो तो वही सही रहेगा। तो गाइस, ये था राम मंदिर का अंदर का नज़ारा। बाहर जितना खूबसूरत लग रहा था, अंदर और भी ज़्यादा खूबसूरत था। चारों तरफ जैसे कि मैंने बताया, फूलों से सजाया गया है, गेंदे के फूलों से, अलग अलग कलर के फूलों से, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। काम चल रहा था जब हम लोग गए थे। और नीचे देखिए कितने सारे मालाएँ यहाँ पर रखे हुए हैं। अभी तक काम चालू ही था और रात भर चलेगा, 22 जनवरी तक पूरा रेडी हो जाएगा। 22 जनवरी के दिन तो और भी ज़्यादा भीड़ रहेगा, तो अगर आप लोग जाते हो तो ज़रा ध्यान से जाना। सजावट के साथ साथ यहाँ पे कीर्तन भी चल रहा था जब हम लोग गए थे इवनिंग के टाइम पे, तो कीर्तन बहुत अच्छा चल रहा था उस टाइम पे। आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगी। सारे लोग यहाँ पे प्रभु का नाम ले रहे थे, नाच रहे थे, खुशियां मना रहे थे, तो वो माहौल ही कुछ अलग था। बहुत अच्छा लगा हमें राम मंदिर जाके। यहाँ पे ना दीवार के ऊपर बहुत सुंदर उन्होंने फूलों में ऐसे भगवान जी के माथे पे जैसे तिलक होता है उसी डिजाइन में बनाया था, तो काफी सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे सारे लोग शाम के आरती का वेट कर रहे थे। आप सबने देखा कि किस तरह से यहाँ पे सारे भक्तगण हरे राम हरे कृष्ण के धुन पे एकदम से मोहित हो गए हैं और प्रभु का नाम जाप कर रहे हैं। तो चलिए अभी हम लोग दर्शन करते हैं प्रभु श्री राम का। चंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। चंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते पते हर हर महादेव।
तो जैसे कि आप सबने इस वीडियो में देखा कि हम लोग पूरा सामने ही खड़े थे और बहुत अच्छे से दर्शन किया हम सबने भगवान जी का, प्रभु श्री राम लक्ष्मण और सीता मैया का, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, एकदम से पावन और पवित्र फील हो रहा था वहाँ पे जाके मंदिर में। तो आप लोग अगर नहीं जा पाओगे तो मेरे वीडियो के थ्रू आप लोग देख सकते हो, प्रभु को दर्शन कर सकते हो और ब्लेसिंग्स भी ले सकते हो। यहाँ पे हम सब ने आरती लिया और फिर प्रभु हनुमान जी को दर्शन करने के लिए गए। यहाँ पे दर्शन करने के टाइम पे हनुमान चालीसा भी पाठ किया जा रहा था, तो हम लोग भी वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके और हनुमान चालीसा पाठ किए। और यहाँ पे देखिए कितने सुंदर से फूलों का एक माला बना के रखा हुआ था, जिसको हमने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। ये पूरा मंदिर को ऐसे सजाया जाएगा, बलून्स भी लगे हुए थे, छोटे छोटे टोकरियों में मालाएं ऐसे लगा के झूमर की तरह इसको सजाया जा रहा था। आप सबको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, ऐसे ही सारे लोग लगे हुए थे अपने कामों में। एक फेस्टिव माहौल बन गया है अभी राम मंदिर के पास, तो आप लोग जरूर जाइए और दर्शन कीजिए गाइस। तो ऐसे ही मंदिर के अंदर दर्शन करने के बाद फिर हम लोग बाहर आ गए थे और यहाँ पे कितने अच्छे से सजावट चल रहा है ये आप सबको यहाँ पे दिख रहा होगा, और उसके साथ साथ लोगों का भीड़ भी दिख रहा होगा। एंड गाइज, जो भी सारे पार्श्व देवा देवी हैं, हम लोगों ने वहाँ पे भी दर्शन किया माथा टेका। तो गाइज, वीडियो को देखते देखते प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना, ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत अच्छा फील हो जाए। एंड आप लोग ज़रूर राम मंदिर जाइए और दर्शन कीजिए, लेकिन अपने सेफ्टी के हिसाब से, क्योंकि बहुत भीड़ होने वाला है। तो गाइज, जैसे कि मैंने बताया, हम लोग पार्श्व देवा देवी जो भी है वहाँ पे भी जाके दर्शन किया, माता लक्ष्मी के मंदिर पे गए थे, गणपति जी को दर्शन किया वहाँ पे, और माता रानी को भी दर्शन किया। तो गाइस, मैं आप सबके लिए ये विश करूँगी कि 2024 आप सबके लिए अच्छा रहे और प्रभु का कृपा आप सबके ऊपर बने रहे। तो मेरा तो दर्शन हो गया, बाकी आप लोग जाइए और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मंदिर जाइए, ब्लेसिंग्स लीजिए, पूजा पाठ कीजिए, और अगर आप में से कोई अयोध्या जा रहा है तो मेरे लिए भी थोड़ा बहुत प्रे कर लेना। एंड राम मंदिर के सामने ना ऐसे स्पेशली एबल्ड लोगों के द्वारा एक म्यूजिकल प्रोग्राम भी किया जा रहा था, तो हमने वो भी देखा। अगर आप लोग कल जाते हो तो शायद आप लोग भी देख सकते हो। तो ऐसे ही रहा हमारा राम मंदिर का दर्शन। तो अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट में लिख देना जय श्री राम। बहुत ही जल्दी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बोलो श्री रामचंद्र की जय।